हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियां की जो कि अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही हैं। निफ्टी 50 में देख सकते हैं आप, अपने टॉप लेवल से 800 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। 21,957 पे अभी ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हुई है, 1.55% की गिरावट आप देख सकते हैं। देखिए, गिरावट का समय ही ऐसा समय होता है जो मार्केट में इस समय को काट लेगा, वो आने वाले समय में बेहतरीन कंपाउंडिंग कर लेगा और अपना पैसा कई गुना तक बढ़ा सकता है। तो वन बाय वन कंपनियों पे चर्चा करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही हैं और जिनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो पहली कंपनी पर चर्चा करते हैं। निफ्टी नीचे गिर रहा है, जो पहली कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए वो है SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। 703 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। इस साल का रिटर्न देखेंगे, 57% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। पिछले एक साल में देखेंगे 137% का रिटर्न है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फ्यूचर है इंडिया का भी और पूरे देश का। तो जो भी कंपनियां इस रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं वो आने वाले समय में बेहतरीन पैसा बना के देंगी, ये चीज़ आपको नोट करके चलनी है। 2020 में कोविड के बाद हर एक कंट्री का जो फोकस है वो कार्बन एमिशन कम करने पे है। तो कार्बन एमिशन कम होगा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने से, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे आपको फोकस रखना है। जो जो कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही है वो अच्छा पैसा आने वाले समय में बना के देगी। स्टर्लिंग एंड विल्सन भी एक कंपनी उसी में से है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, तो इस पे भी आपका फोकस होना चाहिए। 16,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट है, कैप है 757 का हाई है, अभी 700 रुपये पर ट्रेड हो रहा है ये शेयर, 253 का लो है, 704 रुपये पे ट्रेड कर रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी का शेयर। ये कंपनी मेनली ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है सोलर पावर प्रोजेक्ट की। सोलर पावर प्रोजेक्ट तो लग जाएंगे, फिर टाइम टू टाइम उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी होनी है। तो इस तरह की कंपनियां जो मेंटेनेंस में भी लगी हुई हैं, ये अच्छा खासा पैसा लॉन्ग टर्म में बना के देंगी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। 16,409 करोड़ का मार्केट कैप है अभी। आने वाले समय में यही मार्केट कैप अगर 1.5 लाख करोड़ का हो जाता है तो आपका पैसा 9 से 10 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर को समझ के आप इन्वेस्ट करिए। बाकी जो भी देखिए आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस तरह की कंपनीज़ में, वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 to 8 ईयर्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज आप खरीदेंगे कल ये बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं वो ही इस वीडियो में बताई गई कंपनियों पे ध्यान दें। शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज़ में कोई भी पैसा नहीं बनेगा, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले नोट करके चलनी है। बुक वैल्यू SW सोलर की 41 रुपीज़ है। ROE माइनस में है, 2.83 है ROE, फेस वैल्यू 1 की है। अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट का डेटा देखें तो 451 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ के 638 हुआ, अभी कंपनी लॉस में है। तो ये चीज़ें आपको सारी नोट करके चलनी है। लेकिन बिजनेस जो है कंपनी का वो फ्यूचर को फोकस करके काम कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगी और प्रॉफिट में आ जाएगी, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रो कर लेगी, तो ही आप इस पर स्टडी करिएगा। 5 साल की सेल्स -18 है, CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 8 है, CAGR 34 है, रिटर्न ऑन इक्विटी -68 है। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको नोट करने हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। SW सोलर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है, 53% प्रमोटर है, 10-10% FIDII है, 25% पब्लिक है। मार्केट की गिरावट में दूसरी कंपनी जो आपको अपने रडार पे रखनी है वो एंजल वन लिमिटेड, 2,424 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। इस साल -32% डाउन है ये, एक साल का रिटर्न 83% दे चुका है। कंपनी का मार्केट कैप है 21,700 करोड़, 18 का PE है, डिविडेंड भी पे करती है कंपनी।
अगर आप देखेंगे अभी शेयर ट्रेड हो रहा है 2424 रुपये पे, और ये एक शेयर हाई लगा चुका है 3900 का, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये शेयर आपको अपने हाई से मिल रहा है। देखिए जब से डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुलने लगे हैं तब से ये कंपनियां 1 घंटे में अपने कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लेती हैं। पहले हम डॉक्यूमेंट भेजते थे इनके ऑफिस में, 4 दिन बाद डॉक्यूमेंट पहुंचते थे, 5-6 दिन वेरीफाई होते थे, तो 15-20 दिन में पहले जो है हमारा डीमैट अकाउंट खुलता था। वो प्रोसेस अभी फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, तो 24 घंटे में डीमैट अकाउंट खुल जाता है। जब से ये प्रोसेस तेज़ हुआ है, ये कंपनियां जो डिजिटली डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर रही हैं ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, हर रोज़ लाखों कस्टमर जो हैं डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो अभी अगर इंडिया में देखें तो शेयर बाज़ार में जो पार्टिसिपेशन है वो 15% से भी नीचे है। 142 करोड़ हमारी आबादी है, अभी 15 करोड़ लोग भी शेयर बाज़ार में पूरी तरह इन्वॉल्व होकर काम नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा, इस तरह की कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन पैसा बना के देंगी। शेयर है अभी 2420 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसके अलावा करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़, डिपॉजिटरी सर्विस, म्यूचुअल फंड्स और NBFC, ये तमाम तरह के बिजनेसेस हैं जो एंजल वन ने शुरू किए हैं। तो अभी तो बस शुरुआत है, देखिए ये कंपनियां आगे जाके बहुत बड़ी बन जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी ऐसे बिजनेस में है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी पे अपनी स्टडी कर सकते हैं। 21,781 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी 2420 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, 3900 का हाई लगा चुका है। स्टॉक का PE 19 है, बुक वैल्यू 362 रुपये है, डिविडेंड 1.5% का पे करता है, ROC ROE 43 और 38 का है, 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है ये। एंजल वन का प्रॉफिट डेटा सामने है आपके, 47 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो ग्रो हो के 1126 करोड़ हो चुका है, तो बेहतरीन ग्रोथ कंपनी ने पास्ट में दिखाई है। इस कंपनी की सेल्स 41% से बढ़ी है, प्रॉफिट 70% से बढ़ा है, CAGR 61% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 42% का है। एंजल वन का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है, 35% प्रमोटर के पास है, FIDI 13% है, पब्लिक 32% है। तीसरी कंपनी जो मार्केट के करेक्शन में आपके रडार पे होनी चाहिए वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड, 194 रुपये पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, 6 महीने में 11% का रिटर्न बन चुका है, पिछले 1 साल में 30% का रिटर्न है, पिछले 5 साल में 126% का रिटर्न ये कंपनी बना के दे चुकी है। अगर आप हाई देखें 205 रुपये का, लो है 144 रुपये का। अशोक लेलैंड एक लीडिंग प्लेयर है जो कि पैसेंजर व्हीकल्स बनाता है इंडिया में, इनके अलावा टाटा ग्रुप बना रहा है और दूसरी कंपनी अशोक लेलैंड है, इसके अलावा ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस भी बना रही है। तो अगर भारत को अपना कार्बन एमिशन कम करना है, इलेक्ट्रिक बसेस पे जाना है, हर सिटी में इलेक्ट्रिक बसेस को दौड़ाना है, तो इस तरह की कंपनियां आपको आने वाले समय में बेहतरीन पैसा बना के दे सकती हैं। पैसेंजर व्हीकल में ये एक लीडरशिप पोजीशन पे है, अभी पैसेंजर व्हीकल जो इलेक्ट्रिकली काम करते हैं, बैटरी पे चलते हैं, वो बना रहे हैं ये, तो एक फ्यूचर बिजनेस है ये। अगर आप 2030 तक का टारगेट लेके चलते हैं, 2032 तक का टारगेट लेके चलते हैं, तो इस तरह की कंपनियां अच्छा पैसा बना के आपको दे सकती हैं। 194 पे ट्रेड हो रहा है अशोक लेलैंड का शेयर, ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है जो कि पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है, स्ट्रॉन्ग इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा नेटवर्क है, मार्केट पे अच्छी पकड़ है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का कमर्शियल व्हीकल्स का, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 24 KPE पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 30 रुपये की बुक वैल्यू है, 2.4% का डिविडेंड पे करती है कंपनी, ROC ROE 11 और 15 का है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है।
प्रॉफिट का डेटा आपके सामने है। अशोक लेलैंड का 712 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ के 2565 करोड़ हो चुका है, तो ग्रोथ कंपनी ने अच्छी दिखाई है। सेल्स 5 साल की 7% है, 3 साल की 24% है। कंपाउंड प्रॉफिट -7% है, CAGR 23% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ। 51% प्रमोटर है, FIDI 21 और 12% है, पब्लिक के पास 14% की हिस्सेदारी है। चौथी कंपनी जो आपके रडार पे होनी चाहिए वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, ₹125 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। इस साल का रिटर्न 18% है, पिछले एक साल में 60% तक का रिटर्न ये शेयर दे चुका है। अगर आप देखें ₹75 का लो है, ₹133 का हाई है, अभी ₹125 पे ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने हाई के पास ही ट्रेड हो रहा है। 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं तो जो कंपनियां ऑटो पार्ट्स बनाती हैं एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं वो कंपनियां भी अच्छा करेंगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक जो ऑटो पार्ट्स की ज़रूरत है हर एक कंपनी को पड़ेगी, वो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, या कोई दूसरा व्हीकल हो, या कोई नॉर्मल गाड़ी हो। तो ऑटो पार्ट्स तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी लगेगा, पेट्रोल डीजल व्हीकल में भी लगेगा। तो ये कंपनी जो है संवर्धना मदरसन ये ऑटो पार्ट्स बनाती है, तो इस तरह की कंपनियां तो आपको अच्छा खासा कमा के देंगे ही। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि आप अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएंगे तभी आप पैसा बना सकते हैं। 10-20% के लिए आप कोई स्टॉक बाय करेंगे तो 10-20% तो आपके नज़दीक वाला बैंक भी दे देगा FD पे। तो आप ये चीज़ समझिए कि आप इतना रिस्क 10 या 20% रिटर्न के लिए नहीं ले रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो आपको टारगेट भी कुछ बड़ा रखना चाहिए रिटर्न का, 500%, 1000% या 2000%। इतना बड़ा रिटर्न अगर कमाएंगे तभी आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, 10-20% से आपके लाइफस्टाइल में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ये चीज़ आपको समझनी होगी। लॉन्ग टर्म के यदि आप इन्वेस्टर हैं 5 से 7 साल तक होल्ड कर सकते हैं तभी आप इन कंपनियों को स्टडी करिए। ₹126 पे ट्रेड हो रहा है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर। ये कंपनी ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो कई कंपनियों के ये ओरिजिनल इक्विपमेंट बना के सप्लाई करती है। डोमिनेंट प्लेयर है ये पूरे वर्ल्ड मार्केट का, ये चीज़ आपको समझनी होगी, खाली इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक डोमिनेंट प्लेयर है। 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 126 पे शेयर ट्रेड हो रहा है, 53 का PE है, बुक वैल्यू 33 है, ROE है 8 और 7 का, ₹1 की फेस वैल्यू का शेयर है। प्रॉफिट डेटा कंपनी का आपके सामने है, 1700 करोड़ का प्रॉफिट ग्रो होकर 2275 करोड़ हो चुका है, तो ग्रोथ मिली है इस कंपनी में। 10 साल में 12% से सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट 13% से बढ़ा है, CAGR 11% है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का। अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 60% प्रमोटर है, FI 12%, DI 18% और पब्लिक 9% है। ये चारों कंपनियां मैंने आपके सामने रखी, आप अपनी स्टडी करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लें। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए ही चारों कंपनियां हैं, ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई ट्रेडिंग टिप है। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, किसी भी शेयर में आपको बाइंग सेलिंग करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करने के बाद ही करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जोखिम होता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। बाकी वीडियो में बताई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को आप लाइक करिए, आगे शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।